हेलो फ्रेंड्स, बाल जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के उभरते हुए एक और सुपरस्टार से, जो कि इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक यानी कि 2018 से लेकर 2019 तक उन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी हैं और 2020 में भी कुछ ऐसा ही कारनामा वो करने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिल्म के ट्रेलर जो अभी सोशल मीडिया पे लॉन्च हुआ है और उसको जिस तरीके से व्यूज मिले हैं उसको देखने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो भैया मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान खुराना की, यानी कि आयुष्मान खुराना की फिल्म जो कि अभी आने वाली है जिसका नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। उसका ट्रेलर 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया था और 2 दिन में ही इस फिल्म के ट्रेलर को लगभग 31 मिलियन लोगों ने देख लिया है दोस्तों। यानी कि अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो ये आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि 3,19,76,593 और जब तक ये न्यूज आप लोगों तक पहुंचेगा ये आंकड़े बदल भी जाएंगे। और लाइक की अगर मैं बात करूं तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 5,64,000 लोगों ने लाइक किया है और इन दोनों आंकड़ों के सामने तो भैया डिसलाइक कुछ भी नहीं है, यानी कि व्यूज लाइक के सामने में डिसलाइक महज 38,000, यानी कि जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा भैया शुभ मंगल ज्यादा सावधान को। इससे आप ये कह सकते हो कि आयुष्मान खुराना के नाम 2020 भी होने वाला है। 2019 में तो उन्होंने 3 फिल्में दी थी और तीनों फिल्मों का जो बजट था वो केवल 85 करोड़ रुपए था और उसके बाद जो उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 2019 में वो भी जबरदस्त था। 3 फिल्में कौन सी आई थी बॉस? आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और बाला। भैया आर्टिकल 15 का जो बजट था वो था 30 करोड़ और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 93 करोड़ 8 लाख रुपए। उसके बाद भैया ड्रीम गर्ल, इस फिल्म का जो बजट था वो था 30 करोड़ और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया वो था 200 करोड़ 8 लाख रुपए। और लास्ट में बाला, इस फिल्म का बजट केवल 25 करोड़ था और इस फिल्म ने 172 करोड़ का बिजनेस किया था। और इस बार जो फिल्म आ रही भैया शुभ मंगल ज्यादा सावधान जो है इसका भी बजट लमसम 30 के आसपास ही है और ये फिल्म भी भैया बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है जिस तरीके से इस फिल्म को व्यू मिला है। आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप मानते हो कि नहीं भैया आयुष्मान खुराना अब सीक्रेट सुपरस्टार नहीं है, भैया ओपन सुपरस्टार है, यानी कि उनको जिस तरीके से पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, उनकी फिल्म को प्यार मिल रहा है, उससे आप एक बात कह सकते हो कि आने वाले दिन में आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के बड़े स्टार बनने वाले हैं। छोटे बजट पे उनकी फिल्में जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती है यार, ये कारनामा अभी केवल वो कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बड़े सुपरस्टार्स में अगर बोलूं तो यह कारनामा केवल अक्षय कुमार कर रहे हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है शुभ मंगल ज्यादा सावधान जो है वो बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो कितना कमाल मचाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।